तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो आज का सीन है, जरा जल्दी बातचीत, क्योंकि कल पता क्या हुआ था, बोल के नहीं, मैं दिखा के बताता हूँ आपको, तो जाइए देखिए। तो गाइज लौंडा कह रहा है, ये तो लौंडा कह रहा है मैं हो गया हूँ कमज़ोर, तो मुझे खिलाओ पिलाओ कुछ, तो लौंडे खिलाएंगे आज हम चिकन। क्या खाओगे? चिकन। ऐसे क्या रख रहा भाई? शर्मा रहा है लौंडा, चिकन। 54,000 के कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तू शर्मा रहा? नहीं, वो तो दिखाई जरा अपनी, क्या कह रहा था? सुबह 4 बजे उठा कर क्या कह रहा था? बोलिए, जिम जाता हूँ। तो गाइस देख रहे हो ये हड्डी, सॉरी, तो गाइस देख रहे हो ये हड्डी पहलवान भी जिम जाता है। तो मौसा जी क्या खाओगे फिर आज? आज चिकन खाएंगे, टेंट लगाना है आज तुम्हें। क्या लगाना? टेंट वो तो दुकान में लगाना। आज मानसून का बर्थडे है, 1K में केक तो बना देते हैं। देख रहे गाइस, मेरे लिए 1K का केक भी नहीं बना। ऐसा नहीं कि लौंडा है कि 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं केक कुक बनवाए, नहीं, वैसे रखे तो बहुत हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं फिर से डीजल लेने, हम मतलब 2-3 दिन में लाते रहते हैं डीजल, अपना वो है पेट्रोल पम्प है, तो हम जा सकते हैं डीजल लेने खुद ही। चालू शर्मा रहा यार तुम। लड़की है क्या? नहीं। तो शर्मा क्यों रहा? शर्मा ने क्यों नहीं? हाय करो। हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? खाना खाया? अबे खाना बोला, थाना बोल रहा, थाना। चलो सर। तो गाइस आप एक बार यहाँ पर मौसम चेक करिए, आज बादल ना दिख रहे, और दिखे 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 पेड़ के पीछे हो, अब देखो गाइस, ये देखिए आप यहाँ पे बादल। तो गाइस हम आ चुके हैं पेट्रोल डीजल लेके, हम गए थे डीजल लेने, डीजल हमने भरवा दिया है कैनों में अपने, मतलब भर दिया है खुद। अब जा रहे हैं हम चिकन लेने। खा गए लौंडे चिकन? हाँ जी। तेरी नजरें 24 घंटे स्कूटियों में ही रहती है भयंकर। क्या कर, मिल ही रही, पैसे इतने ही नहीं। बोल दे एक बार गाइस, कोई सेकंड हैंड स्कूटी हो तो बता दो। हाँ वो तो है। बोल दे। तुम बताओ ना, बोल दो ना, आप ही बताओ। तो गाइस अगर किसी के पास सेकंड हैंड स्कूटी हो तो लौंडे से संपर्क करें, मतलब आप बता सकते हैं कमेंट करके, लौंडे को जरूरत है स्कूटी की। गाली दे रहा क्या? तो गाइस ये पीछे बैठ के गाली दे रहा है या तुम देख देख के गाली दे रहे हो, बताना। तो गाइस जैसे कि आपको बताया, हम आए थे चिकन लेने, तो हम पहुंच चुके हैं चिकन की दुकान में, और चिकन वाले भैया जा रखे वो तो सामने उधर आवारा गिरदी कर रहे हैं। ऐसे दुकान छोड़ के जाते हैं क्या? हैं क्या कह रहे? टाइम पास कर रहा था वहाँ। हाँ तो सर आप दुकान छोड़ के क्यों जा रखे थे? ये खाने वाली मछली नहीं है गंवार, वो खाने वाली नहीं है, वो फैशन वाली मछली है। तो गाइस फाइनली हम लेके आ गए हैं चिकन। हाँ भाई किशन कैसा लगा? अबे दिखाना नहीं है, बताना है सिर्फ, के ला गए हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो चल रही है हमारी ऑफ रोडिंग, यहाँ रोड ना डल रही, पता नहीं क्यों, पूरे विस्थापित की रोड यहाँ की ना डल रही, बस पता नहीं शायद कोई दुश्मनी हमारी किसी से, जो हम कच्चे रास्ते में स्कूटी दौड़ा रहे हैं, सारी स्कूटी गड़ 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 कर रही है। तो आपने देख लिया वो कल क्या हुआ था। तो फिर मैं घर आके सो गया था चिकन खाने के बाद, तो मैं चिकन की मैंने एक वीडियो भी ना बना पाया, तो आपको दिखाई जाएगी। ये नहीं धनु रानी अपनी, आज तो सही चमक रही, धूप नहीं आ रही ना बाहर। तो गई थी सेल पे भाई, ये अब बिक चुकी है, मैं नहीं चाह रहा था कि कोई बाहर का बंदा खरीदे, इसलिए मैंने लोकल में ही दिए। लोकल में मतलब हमारा एक भाई है, उनकी वहाँ पे शॉप है यहाँ पे, इधर ही हमारे मेन रोड पे, तो उन्होंने ये खरीदी है। वैसे उन्होंने कहा है कि वैसे हमने साफ ही रख देते हैं कि इसका ना पीछे का वो दे देना, बाकी सामान नहीं चाहिए। मेरे पे सारा सामान पड़ा है इसका, मरगार्ड से लेके साइलेंसर से लेके हैंडल से लेके अगले वाइजर से लेके इसके अलाइवल से लेके, मतलब जो इस पर क्रीम आते हैं ना इसमें, ये तो मैंने मॉडिफिकेशन में डलवा रखे सारे दोनों। वैसे इस पर मतलब इस गाड़ी में टंकी इंजन छोड़ के बाकी सब चीज़ है, देख रहे हो गाइस, सारी कस्टमाइज़ करिए खुद, कुछ खुद करिए, कुछ बाहर वालों से करवाइए। तो आप चेक करिए एक बार लुक इसकी, कितनी मस्त है ये, सीधा हैंडमेड है, ये मैंने बनाया एसएस की चादर का, बहुत मतलब कोई ठोके पीटे कुछ भी करे कुछ नहीं होने का इसे।
बाकी इसका एक मीटर, उन्होंने कहा मीटर की मैंने सोचा था ठीक करवा के दूंगा, भैया ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं कि मैं खुद ठीक करवा लूँगा, तू बस गाड़ी दे दे बाकी मैं देखता हूँ। तो भैया आने वाले होंगे तो तब तक हम, वैसे कल देनी थी गाड़ी पर कल मैं चिकन खाया मैंने, मैं सो गया पता ना लगा कुछ कि क्या हो रहा ज़िंदगी में, तो मैं सो गया था। तो आज देंगे ये बाइक, तो भाई आने वाला होगा शायद अभी, तो इंतज़ार करते हैं भाई का और चलते हैं, मतलब हम क्या चलते हैं और देते हैं अपनी बाइक। तो गाइस हमारे पास देखो कौन आया, सौरभ भाई और ये आए हैं, थैंक यू सर, ये इसका एक हॉर्न, अरे वो उधर सही भी है। हाँ हाँ सर सही है यार, तो बजा के देख लो, बजा के ऐसा कहाँ से देख लूँ, तार है उस पर लगी हुई, अरे तो वो मज़ा नहीं आना है तार वो गर्म होगा, साइलेंसर देख लो, चलो सही होगा तो मैं सीख ठीक कर देंगे। अब वो पीछे का वो उधर रखा है फैक्ट्री में, फैक्ट्री चलाओ ना, अरे चलाओ ना, अरे चलो ना, मुझे नहीं आ रहा है चला। ये भाई का बहुत ही है सौरभ भाई की, कैसा लग रहा है सौरभ भाई? बढ़िया, तेज बोलो ना, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा, मज़ा पूरा मिल जाएगी ना ये रास्ता। तो गाइस हम आ चुके हैं फैक्ट्री, क्योंकि हमने ये पहले ही निकाल के रखा था बाहर, एक बिजली का बिल भी फेंका है, कितना रखा बिजली का, 2700-2800 मान लो। ये सर अब इस पर कोई पीछे बैठेगा आपके तो गिरेगा नहीं, ये सेफ्टी गार्ड बोलते हैं, क्या करें मुझे सिखा दिया, चले फिर हम। हाँ चल रहे सर, तो गाड़ी कैसा लग रहा था? बहुत बाइक खरीद के, अच्छा कितने की खरीदी आपने? 140 की है, 140 कैसी है, मतलब बाइक की कंडीशन कैसी है बताओ पहले? बहुत बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा तो नहीं कि हाँ ना सुनू, और पार्ट तो नहीं चाहिए इसका कोई, सारे रखे हैं मेरे पास हैंडल से लगाना है। तो गाइस सौरभ भाई का जुगाड़ देखो भाई ने कहाँ लगाए, सर यहाँ का नहीं हो पीछे का, पीछे लगा दूँ, अरे तो लगाना तो यहीं पे ही अभी। ओके ठीक है सर, बाय कर दो कैमरे में, बाय। हाँ कैसे मुस्कुराहट देखो एक बार लौंडे की, दिखाना तो देखो एक बार खुशी से देख रहे चेहरे पे, तो गाइस लौंडा जा चुका है हमारी गाड़ी लेके और अब हम भी चलते हैं फैक्ट्री, पर आप टेंशन मत लो, मेरे पे करीब पहले की ब्लॉग भी है अपने, पहले के ब्लॉग बोले तो मतलब उनने मैंने एडिट नहीं कर रखे हो, किसी में वॉइस की दिक्कत है, किसी में कुछ दिक्कत है, किसी में कुछ दिक्कत है, वो भी डालेंगे बहुत जल्द, तो वो वाली वीडियो देखूँ दिखाऊँगा आप, बुलेट की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। तो गाइस हम आ चुके हैं घर और काम करके अपनी हालत हो चुकी है बहुत ख़राब, तो पहले नहाते हैं फिर थोड़ी बात करते हैं मम्मी जी से, बहुत दिन हो गए मम्मी से बात नहीं करी हमने, मतलब बात करिए पर बाइक के बारे में ना करिए। तो गाइस हम आ चुके हैं नहा के और अभी यहाँ का वेदर चेक, ये हमारा है थर्ड फ्लोर और यहाँ से व्यू चेक करिए आप कितना बढ़िया आ रहा, आज आसमान में बादल नहीं लगे यहाँ से, सामने रहने अगर वैसे साफ दिख रहा है तो वो होता ना अगर लॉक स्क्रीन में, देखो कितने बढ़िया फूल लग रहे हैं। फालतू की बातें ना करते हुए वैसे मैंने थोड़ी दाढ़ी भी कटवाई है, मतलब कटवाई खुद ही काटिए सेट करिए घर पर, तो कमेंट करके बताना कैसे लग रहा हूँ, और अभी चलते हैं मम्मी से पूछने, लोग कहेंगे तेरी मम्मी 24 घंटे किचन में ही रहती है, बाहर आओ बाहर आओ कमरे में लेट ही रहो, तो मैं बोलूंगा मेरी मम्मी सो रखी है, क्या कह रही हो क्या कह रही हो आप, मतलब क्या कह रही हो आपकी, पहले खाना तब बात कर मैं। तो गाइस मेरी नानी आई है यहाँ, ए नानी, ए भाई नानी आए तो नानी क्या कहता, तुम क्या नानी का नहीं बोलो, हाय हाय बोलो, हाय ये वो दिन बोल बात बुढ़िया जान ले, हाय हाय तो ऐसे बोलो नानी, हेलो गाइस कैसे हो, बोलो क्या बोली, हेलो गाइस कैसे हो, हेलो गाइस गाइस कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, खाना खाया, सब्सक्राइब करा है क्या, सब्सक्राइब करा, और सब कुछ है, क्या इनाम देना आपके नाती को, क्या इनाम देना आपके नाती को, इनाम सबसे अच्छो
जो चाहे इस दुनिया में। इसे मेरे को महंगी बाइक। अब तो है कुल बाइक ला, बाइक क्या चीज होता है। तो क्या दिलाओगे फिर? हवाई जहाज दिला रही हूँ। पेंशन लगी है ना आपकी? हाँ। हजार रुपए पेंशन आ रही है, हवाई जहाज की बातें कर रही हूँ। बाय कर दो। बाय बाय। गाइस हमने खा लिया है खाना, मम्मी और खा रहे हैं अभी, तो जब तक मम्मी आती है तब तक हम रेस्ट करते हैं, थोड़ा लेटते हैं, फिर मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी हमारी बुलेट क्यों बिकवाई है, क्योंकि चमक देख रहे ब्राइटनेस, क्योंकि हमारे उसमें जो वो क्या है, जो हमारी बुलेट थी वो मतलब उसकी जो आवाज़ थी, लोग मुड़ मुड़ के रिएक्शन, अच्छे रिएक्शन मिलते थे, भले ही मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई नहीं। अब मैं देखा कितना शरीफ आदमी हूँ मैं, लोग 155 सीसी गाड़ियों में इतने लंबे, अच्छा सॉरी मैं बताना भूल, इतने लंबे लंबे एग्जॉस्ट लगा के आवाज़ें निकाल रहे हो फिर रिएक्शन वीडियो बना रहे, ठीक है। अब उन्हें छोड़ो छोड़ो, लीव लीव बॉयस, तो वो मम्मी का इंतज़ार करते हैं। तो गाइस हम सो गए थे, अभी उठाऊंगे सो के। और मम्मी अब मेरा मूड खराब हुआ है, बाहर में जाओ, बाहर ना करे ना, झाड़ू फेंको ना, शाम को झाड़ू नहीं मारते, फेंको। तभी तो उठा रही मैं, तब धूप जाने वाली। तो बताओ कि मेरी बुलेट क्यों बेची गई? हे भगवान, मैं कुछ नहीं बोलती यार। क्यों बोलो? तूने तो बोला बेच दो इसे। आपने क्या बोला? जगह नहीं होगी इसमें। हाँ। घर पे जगह नहीं होगी। तो जगह कहाँ से करना है, तेरी खचाड़ा करें अखाड़ा से अपना। हैं? हाँ। अच्छा मेरे क्या आपके? तेरे पैसे किसके थे? पैसे तो हमारे हैं। हाँ, तो खचाड़ा किसका हो? हैं? चलो क्या साइड, क्या कह रही थी? क्या कह रही? आपने तो बोला था कि मैंने बनाया। हाँ तो किसने मार के? मैंने अभी तो बोली आपने सही बात। बेटे पूछ ले किसने भी, 8-8 घंटे कौन काम करता है। तो गाइस ये देखो, ये मैं तो देख रहा हूं यहां से। क्या कर रहा है? किसे बात कर रहा है? किसे बात कर रहा तुम? किसे? तो गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एक तो दाढ़ी का, दूसरा बालों का, और ये बाल कटवा देना चाहिए कि ऐसी झूलते हुए रहने दो। ये जब से रिबॉन्डिंग कराई बहुत मुलायम हो गए। मारूंगे। इधर आ जा। क्या बोल रहा था? क्या कह रहा था तुम? हैं? क्या कह रहा था? बॉडी दिखा दे जरा अपनी, बॉडी दिखा दे अपनी, दिखा दे। तो गाइस हम चलते हैं अभी फैक्ट्री में, फैक्ट्री से सामान लेके जाना दुकान, और दुकान चलते हैं। बाकी ब्लॉग लंबा ना खींचते हुए यहीं पे करते हैं मैं, बाकी 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 ज़्यादा और अब मैं पता नहीं, एक डायलॉग लेके ना बहुत वो हो जाता हूँ, मतलब जैसे जो भी बोल रहा था एक ही डायलॉग के पीछे ही पकड़ लेगी, एक ही डायलॉग पकड़ जाता, जैसे राइड पर जाता तो भयंकर भयंकर ही निकलता रहता। अब लोग कहते हैं इतना भयंकर मत बोला कर, पर जब तुम देखोगे ना भाई सामने में तो एक ही सब निकलता है, ओ भयंकर, ओ भयंकर, ओ भाई साहब बस ऐसा सही। और जब तक हमारी नई बाइक नहीं आती तब तक हम चलाएंगे ऐसे ही। तो गाइस अब हम आ गए फैक्ट्री में, ये वहाँ पे ज़रा लोग देखते हैं ना कि नया नया यूट्यूबर बनाऊँ तो थोड़ी शर्म सी आ जाती है, कैमरे के सामने ऐसे बोलते हुए लोग कहते हैं भयंकर। अरे नया गोप्रो है, बहुत छोटा सा, इतना सा मतलब ज़्यादा इतना भी नहीं है, पर है ठीक ठाक है, थोड़ा सा छोटा है, तो बोलते हुए शर्म लगती है लोग देखते देखते कि डब्बे के आगे क्या बड़बड़ा रहा, तो थोड़ा भी शर्म सी आती है, एक तो इसलिए मैं इधर आया हूँ। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मम्मी का मूड ख़राब था तो मम्मी ने साफ सीधी बात बतानी भाई, तो मम्मी कह रही थी कि हमारे घर पर इतनी जगह नहीं है कि हम अपनी इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी करें, तो कुछ गाड़ियाँ वैसे हमारी इधर रहती है, जैसे कि टेम्पो है, ठीक है, रात को एक स्कूटी कभी इधर रह जाती है, कभी स्कूटी रह जाती है इधर, कभी बुलेट रख देते हैं, कभी बाइक रख देते हैं। तो गाइस इस बाइक को भी तुम्हें पता है, तुम्हारा भाई जो गाड़ी चलाता है उसको कुछ ना कुछ खुरापात कराता है, ऐसे भी करवाएंगे कुछ, सोच रहा हूँ कि निकाल दूँ निकाल के थोड़ी टेपिंग वेपिंग करवा के, जरा थोड़ी मतलब आँखों पर नहीं छुप रही है, देखो स्टैंड मार मार के ये निशान, इतने सारे निशान पड़े हैं ना यार, दिखाऊंगा ना मैं आपको पैरों के, तो ये पता नहीं किस किस चीज़ की है, मुझे खुद नहीं पता, ये है इधर, ये बर्नआउट लग रहे हैं हमारी टाइल्सों में, और ऐसे बहुत सारे निशान हैं कुछ मिट गए, जो मतलब ये है अभी एक या दो दिन के हैं ये पैसे,
पता नहीं क्या है ये जो भी है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद नेक्स्ट ब्लॉग में हम सीधा नई बाइक पे मिले, होप शायद हम नेक्स्ट ब्लॉग पे नई बाइक पे मिले। और मैंने एक वो भी करा है अपने लिए, स्टूडियो तैयार करने की सोच रहा हूँ गाइस मैं। बाकी अभी सामान वगैरह तो कुछ नहीं है, बस हम पे एक 55 इंच का LED TV है, उसे हम PC बनवाएंगे। और बाकी ये सामान चेक करें गाइस, ये अलमारी है, एक ये बोर्ड है, इस पर डेट वगैरह आएगी मेरी ब्लॉग की। पहले मैं ये वाली टेबल लाए थे, इसमें इशू ये हो रहा है कि ये हो रही है बहुत बड़ी, तो फिर हमने दूसरी टेबल का वो करा, ये छोटी है, दिखाता हूँ आपको, ये टेबल थोड़ी छोटी है, इसके साथ चेयर भी है। तो ये कॉम्बो का सेट था, तो ये ऐसा था, फिर ये दो तीन चेयर पता नहीं क्यों ली हमने, ऐसी ले ली, अब टेम्पो खाली आ रहा, तो हमने तीन चेयर हॉट डलवा दी। अब जैसे मतलब पता है ये अगर लाइन से लगाऊँ ना इसे, तो ये वैसा लग रहा है कि जैसे ऑफिस नहीं होता ऑफिस, और उसमें एक चेयर पर बैठा, तीन आगे से लगी है कुर्सियों, कोई आ रहा जा रहा, पर देखते भी ये शायद वैसे घर पर मेहमानों के लिए रखे, थोड़ा कम्फर्टेबल है ना। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग में बाइक के साथ मिलेंगे, कौन आएगा, चलो ठीक है, बाय।